एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की जो वीडियो है वो एक वीडियो से रिलेटेड है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि क्रिस्टल क्लियर स्किन के बारे में, आप लोगों को बहुत पसंद आई थी और आप लोगों ने उस वीडियो पर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे जिनका आंसर मैं उस वीडियो में नहीं दे पाई थी। सो आज उसी के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और साथ ही आप लोगों को वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए लिंक भी मैं शेयर करूंगी। सो पूरी वीडियो एंड तक देखना और आपकी जो भी क्वेरीज थी वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीडियो क्या थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उनके लिए मैं अभी वीडियो प्ले करने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या वीडियो थी और तीन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो पर ऑलमोस्ट मेरे 8 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि आपको मेरी दी गई रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज भी किया कि आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो बस इसलिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके और आपको आपके क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रेमेडी। तो जो आपने वीडियो में देखा वो है कैप्सूल्स ऑफ विटामिन ई 400 mg, साथ में एलोवेरा है जो कि आप कोई भी नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं या फिर प्योर एलोवेरा जो प्लांट से निकलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों को आपको मिक्स करना है और अपनी स्किन पर अप्लाई करना है ओवरनाइट और उसको वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या इस रेमेडी के कोई साइड इफेक्ट्स हैं। नो, इस रेमेडी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ कि क्या 13-year-old गर्ल चाइल्ड इसको यूज़ कर सकती हैं। सो 13-year-old गर्ल चाइल्ड वो ऑलरेडी अपनी ग्रोइंग एज में है, उनको किसी भी तरीके की किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। उनको जो आप न्यूट्रिशन देते हैं, खाना देते हैं, उन्हीं से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी रेमेडी को उनको यूज़ करने की। फोर्थ क्वेश्चन इज़ क्या इसे हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, बट जिनकी स्किन ऑयली है ये वो लोग डेली यूज़ ना करें, वो स्किप करके इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, वो इसको डेली यूज़ ना करें। वो 2-3 days स्किप करके इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ क्या हम नेचुरल एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स आप अगर नेचुरल एलोवेरा यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि नेचुरल एलोवेरा में किसी तरीके के कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं होते हैं, वो बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग वी कैन यूज़ इट। कितने टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको कितने भी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। जब तक आपको इसको यूज़ करना है, जब तक आपको आपकी स्किन पर लगता है कि हाँ इफेक्ट हो रहा है, तब तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन इज़ कैन वी यूज़ इट फॉर सेंसिटिव स्किन। यस, आप इसको सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑयली स्किन पर ज़्यादा यूज़ ना करें, सेम मैं वही बोलूँगी सेंसिटिव स्किन के लिए कि आप इसको डेज को स्किप करके यूज़ करें। एट्थ क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टाइम वी कैन यूज़ इट। तो आप इसको 2 times यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप इसको डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नाइट में यूज़ करें, सोते टाइम फेस वॉश करके आप इसको पूरी स्किन पे अप्लाई करके और छोड़ दें। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये रेमेडी कलर को फेयर करने के लिए है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, बट नो, ये रेमेडी स्किन फेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। रेमेडी आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए है, इवन टोन करने के लिए है, जिससे कि आपकी स्किन नेचुरल और बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखे। फेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी स्किन हेल्दी क्लियर होनी चाहिए। फेयरनेस
का कोई मैटर नहीं होता, स्किन चाहे मीडियम कलर है, डार्क कलर है, फेयर कलर है, कोई भी कलर हो, स्किन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो 10th क्वेश्चन इज़ कि अगर विटामिन ई यूज़ नहीं करना है, कुछ लोगों को विटामिन ई नहीं सूट होता, तो उसकी जगह वो लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? तो उसकी जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं ग्लिसरीन। वो किसी भी केमिस्ट की शॉप से आप खरीद सकते हैं या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू वी नीड फेस वॉश आफ्टर यूज दिस रेमेडी? सो नो, आपको ये रेमेडी अप्लाई करके छोड़ देनी है रात भर के लिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप सुबह फेस वॉश करेंगे तो नेचुरली ये आपके फेस से वॉश हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको दिन में अप्लाई करते हैं तो भी आपको फेस वॉश नहीं करना है, आप इसको एक सीरम की तरह ही यूज़ करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या हम इस रेमेडी का पेस्ट बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं? सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इसको फ्रेश बनाकर फ्रेश यूज़ करें तो ही अच्छा है। हाँ, आप इसको 2 दिन के लिए पेस्ट बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सीज़न दिस रेमेडी वर्क्स वेल? सो ये जो रेमेडी है वो आपको विंटर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि विंटर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसके लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसको विंटर में सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि आपकी स्किन ऑलरेडी अच्छी है तो आप ये रेमेडी क्यों यूज़ करते हैं? सो गाइज, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ और आपको भी पता है दिल्ली का पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, तो इस टाइम पर अपनी स्किन को अच्छा रखना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। तो जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन रखते हैं, इसी तरीके से हमें अपनी स्किन को भी बहुत अच्छा रखना होता है, जिसके लिए हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम लोग अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन ख़राब होगी। तो नेचुरली किसी की भी स्किन अच्छी नहीं होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी स्किन को अच्छा रखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं बस यही कहूँगी, आप भी अपनी स्किन का ध्यान रखिए, इस रेमेडी को यूज़ कीजिए, और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। तो मेन पॉइंट जो है इस रेमेडी के वो ये है कि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विंटर में ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको डेज को स्किप करके यूज़ कीजिए, रात को सोते टाइम अगर इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस रेमेडी से आपकी स्किन क्लियर होगी, इवन टोन होगी और आपकी स्किन हेल्दी दिखेगी। तो ये थे इस रेमेडी के बेसिक पॉइंट्स, और इसी तरीके की रेमेडीज़ के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।